दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल साथ निभाना साथिया में कहना की चाल होगी कामयाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि प्रिया और प्रिया को जब पता चलता है कि अब भी इसका परिवार है ही नहीं, यानी वो उसका भाई है ही नहीं, और रोहन को अब गहना वादा करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी और उन्हें ढूंढ के रहूंगी। लेकिन रोहन कहता है मुझे उनकी से कोई नहीं मिला सकता क्योंकि उन्होंने उनको मार दिया, जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं और प्रिया घबरा जाती है कि वो तो हमें भी मार देगा। तो दूसरी तरफ अनंत यहां पर अब वापस से उस कंपनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम सर नेक्स्ट टाइम सही इन्फॉर्मेशन लेकर आना, और यहां पर कोई भी कुछ नहीं रहता, वहां पर तो लोग लगा हुआ है। और वहां पर अनंत को याद आता है कि बापूजी ने सिर्फ उसे 3 दिन का वक्त दिया है और अगर उसमें सब कुछ नहीं ढूंढ पाया तो गहना को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर गहना प्रिया को संभालती नजर आती है और उसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है क्योंकि वो दवाई नहीं लेती है, जिसके बाद यहाँ पर वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। और देखने को मिलेगा कि दूसरी तरफ अभय की एंट्री होती है और अभय को शक हो जाता है वहाँ पर गाड़ी के टायर्स के निशान देख कर, और वो अंदर आता है और दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलता है कि गहना कुछ सामान तो इतनी तरह से प्रिया बिखेर देती है कि उठा नहीं पाती, और यहाँ पर प्रिया बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाती। अभय को शक होता है लेकिन यहाँ पर माँ और गहना दोनों ही बुरी तरह से दोनों जो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में अभय को फिर भी शक होता है और प्रिया से पूछता है। तो प्रिया कहती है कि एक औरत आई थी कि एड्रेस भूल चुकी थी और उस गलत एड्रेस पर आ गई थी, जिसके बाद में वो उसे फिर से वो दवाई दे देता है। और देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो शावर लेने के लिए चला जाता है और गहना फिर से इन तीनों के साथ मिलकर प्लानिंग करती है, और वहाँ पर माँ उसके लिए खाना लेकर चाय लेकर जाती है, और दूसरी तरफ गहना सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है, और रोहन प्रिया कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन अभय इस डर के मारे कि राज खुल जाएगा इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहता। लेकिन गहना होश में ही नहीं आती और जानबूझकर बेहोशी में पड़ी रहती है। उसके बाद अभी डर के मारे ही यहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, और यहाँ पर गहना और इन सब का प्लान कामयाब हो जाता है कि वो घर से भागकर यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद अभी का भांडा फोड़ देगी और सारी सच्चाई पता करने की कोशिश करेगी। तो गहना यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करने वाली है और पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर अभी के बारे में। तो वहीं पर देखने को मिलेगा गहना वापस लौट कर आएगी, लेकिन यहाँ पर अनंत की मदद भी लेगी, जिसके बाद अनंत पुलिस लेकर पहुँचता है, लेकिन अभी उसे कुछ भी सच्चाई भूलने नहीं देता और उसे डरा देता है। अब देखते हैं कि सारी सच्चाई अभी की पुलिस वालों के सामने कैसे आती है और कैसे उसका ये भांडा फूटता है और उसे सजा मिलती है।